हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे चैनल कविता एट किचन विथ ब्लॉग्स। तो जैसा कि आपको देख के ही पता चल रहा होगा कि आज मैं ड्रम स्टिक्स या सहजन की जो डंठल है उसकी ही सब्जी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस इसी तरह मैं इसके छोटे छोटे पीसेस बना ले रही हूँ। हमको सारे को इसी तरह छील लेना है और जितने जो जैसे साइज के पीसेस रखने आप उस तरह कट कर लें। तो देखिए मैंने सारे पीसेस कट कर लिए हैं और इसे हमें पानी में बॉईल करना है। एक बॉईल ही करना है, बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना। मसालों में मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, जीरा, काली मिर्च और सरसों लिया है। सरसों को मैंने ड्राई पेस्ट किया है, इसे उसके साथ मिक्स करके ना पीसें, अलग से ड्राई पेस्ट बना लें। और बॉयल आलू मैंने लिए हैं। तो देखिए इधर मेरा ड्रम स्टिक्स जो है वो भी बॉयल हो चुका है। बस इसे अब हमें छान लेना है। कढ़ाई भी गर्म हो चुका है तो मैंने ऑयल 2 बड़े चम्मच मैंने डाले हैं। मैंने पचफोरन डाल दिया है और पीसे हुए मसाले जो अदरक, लहसुन, जीरा, काली मिर्च और लाल मिर्च का जो मैंने पेस्ट बनाया है मैं उसको डाल रही हूँ। और इसे मैं अच्छे से चला के भूनूंगी। अब इसमें मैं हल्दी, नमक, नमक स्वाद के अनुसार डालें। और अच्छी कलर के लिए मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ। इसमें मैं प्याज नहीं डालूंगी, मैं प्याज का इसमें उपयोग नहीं कर रही हूँ, इसमें प्याज मैंने नहीं डाला है। अब मैं ड्राई पेस्ट जो सरसों के मैंने बनाए हैं उसको मैंने डाल दिया इसमें। इससे एक बहुत अच्छा टेस्ट कलर भी आएगा और इसमें सरसों का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अब मैं टमाटर जो मैंने कट करके रखे हैं उसको मैंने डाल दिए हैं। देखिए कितना अच्छा मसालों का कलर आ गया है। तो मैं इसमें आलू ऐड कर दे रही हूँ। ऑयल भी देखिए पूरी तरह अच्छे तरह से सेपरेट हो चुके हैं, तो मतलब मेरा मसाला भून चुका था। अब मैं इसमें ऑयल आलू के बाद मैं इसमें ड्रम स्टिक्स को इसमें डाल दे रही हूँ। इसको सूटी भी बोलते हैं हमारे इधर, सहजन भी बोलते हैं, हर जगह इसके नाम अलग अलग हैं। तो इसे बस हमें अच्छी तरह से चलाना है और ढक के हमें इसे पकाना है ताकि मसाले एक दूसरे से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देखिए मैंने इसे अच्छी तरह से ढक के अच्छे से मिक्स हो गया है। आप चाहे तो सूखी सब्जी भी इसकी बना सकते हैं और ग्रेवी रखना चाहते हैं तो पानी डाल दें। तो मैं इसमें ग्रेवी के लिए पानी डाल दें।